संत कबीर भक्ति युग के संतों की पहली लहर में आए। इनका जन्म सन 1440 में हुआ, यानी तुलसीदास, सूरदास, गौरांग महाप्रभु, मीराबाई सबसे पहले कबीरदास ही आए। और उस समय मध्यवर्ती भारत में जो धर्म के नाम पर अडंबर आ गया था, पाखंड था, उसको इन्होंने अपना निशाना बनाकर अनेक तीर चलाए। तो इन्हें एक विशेष धर्म सुधारक भी कह सकते हैं। कबीर जी गरीबी में बड़े हुए थे, गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत किए, और वो जो कपड़े की सिलाई का कार्य करते थे जुलाहा, उसी को वो करते चले गए। तो उसी से उन्होंने शिक्षा दी कि भाई जीवन को सरल रखो, और स्वयं गृहस्थी थे और लोगों को भी ये नहीं कहे कि भाई तुमको सब छोड़ के भाग जाना है, लोगों को कहे तुमको बस भगवत चेतना को अपने साथ जोड़ना है। प्रेम भाव एक चाहिए भेष अनेक बनाय, चाहे घर में वास कर चाहे वन में जाय। चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, प्रेम भाव में रहो, इंपॉर्टेंस उस बात का है। कबीर जी के जन्म के बारे में अलग अलग लोगों ने अनुमान लगाया है। वैसे ये बड़े तो हुए नीमा जान और नूर अली के घर में, यानी इनकी माँ थी नीमा जान और पिता थे नूर अली। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, इनकी माँ एक ब्राह्मण कन्या थी और उनको जब पुत्र हुआ तो माँ ने कहा ये तो कलंक लगेगा। माँ ने वो पुत्र एक पुल के नीचे छोड़ दिया, तो वहां पर नूर अली को मिले कबीर जी, वो ले आए घर। अब इनको भोजन दें तो ये खाए ही नहीं। तो किसी ने कहा कि ये विशेष बालक है, ये मात्र शाकाहारी ही खाएगा। इतिहास साक्षी है कि कबीर जी मुसलमान घर में बड़े होते हुए भी शाकाहारी ही रहे जीवन भर। इनके नामकरण का प्रसंग आया तो माता पिता इनको मौलवी के पास ले गए। मौलवी जितनी बार उसने कुरान को खोला यही शब्द आया कबीर। कबीर का मतलब होता है महान। ये शब्द तो भगवान के लिए उपयोग में आता है। तो मौलवी ने कहा नहीं ये ठीक नहीं है। दोबारा खोला फिर शब्द आ गया कबीर। तीसरी बार खोला फिर शब्द आ गया कबीर। तो नाम उनका कबीर ही पड़ा। माता पिता उनको मदरसा ले गए पढ़ाई कराने के लिए। वहाँ पे जो भी शिक्षक इनको पढ़ाए इनको उससे कोई मतलब ही नहीं। इन्होंने कहा भाई मुझे जो पढ़ना है वो मात्र राम नाम ही है। एकस्मिन विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञाति, इसके अतिरिक्त और कुछ जानना नहीं है। जिसने इसको जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। तो ये जब युवावस्था में पहुंचे इनके पिताजी का देहांत हो गया
और घर गृहस्थी का सारा जिम्मा इनके ऊपर आ गया। नीमा नूर अली और नीमा जान ये जुलाहा समाज के थे, मोहम्मदनों में एक जुलाहा समाज थी जो कपड़े का काम करते थे। तो कबीर जी अपने पिता के व्यवसाय के अनुसार वे भी जुलाहा बने एवं उन्होंने विवाह भी कर लिया। पत्नी का नाम था लोई। दो बच्चे भी हुए, एक कमाल लड़का और एक लड़की कमाली। तो अब कबीर जी के अंदर ये तीव्र इच्छा थी कि हमें गुरु बनाए। इनका मन स्वामी रामानंद के प्रति आकर्षित हो चुका था, संत रविदास के गुरु। तो फैक्ट में कबीर जी ने पहले इनको गुरु बनाया। स्वामी रामानंद भक्त तो थे, विख्यात भक्त हुए, रामानंदी संप्रदाय है उनके नाम से, किंतु ये वैदी भक्ति की ओर उसका अभ्यास करते थे। तो सब रीति रिवाज का पालन करना, कर्मकांडी पंडित के जैसे, इसलिए वो जाति इत्यादि को भी मानते थे। अब कबीर जी को तो मिलने को तैयार नहीं, तुम्हारी जाति का ही पता नहीं। कबीर जी की मन में बात बैठ गई थी कि इनको ही गुरु बनाना है, तो क्या किया जाए। तो इनको पता चल गया कबीर जी को कि गुरु जी सुबह 4 से 4:30 के बीच में नदी स्नान करने जाते हैं काशी में। तो ये जाके घाट में सीढ़ियों पर लेट गए। अब गुरु जी वहां से चल रहे थे, अंधेरे में उनको कुछ दिखा नहीं, तो उनका चरण कबीर के शरीर के ऊपर पड़ा और वो चौंक गए, राम राम राम। कबीर जी ने कहा मुझे तो नाम चाहिए था, मुझे मिल गया मिल गया मिल गया। विभोर होके वहां से गए। तो गुरु जी भी प्रभावित हुए इनकी भक्ति से। उन्होंने कबीर को शिष्य के रूप में स्वीकार तो किया, किंतु ऐसे कट्टर थे स्वामी रामानंद कि इनको दर्शन फिर भी नहीं देते थे। तो कबीर जी से वे एक पर्दे के माध्यम से बात करते थे। अब एक दिन गुरु जी पूजा कर रहे थे और उन्होंने मुकुट तो पहना दिया था श्री राम का। अब वो माला जो डालनी थी, वो माला छोटी थी, वो डल नहीं रही थी। पर्दे के दूसरी तरफ कबीर जी बैठे हुए थे। कबीर जी ने कहा गुरुदेव ऐसे नहीं डलेगी, आप मुकुट को उठा के और माला को डाल के पुनः मुकुट को धारण करा दीजिए। गुरु जी ने कहा वाह। शिष्यों को कहा कि कबीर को तो सभी कुछ दिख जाता है, हटाओ पर्दा यहां से, इसका कोई मतलब ही नहीं। पर्दा हटाया गया, कबीर जी गुरुदेव के स्वामी रामानंद के चरणों में गिरे, किंतु गुरुदेव ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। और वैसे तो शिष्य गुरु से सीखता है, किंतु यहां पर उल्टी बात ज्यादा हुई। गुरुदेव शिष्य से काफी कुछ सीखे, उनकी विचारधारा विस्तृत हो गई और इसी कारण से उसके पश्चात उन्होंने संत रविदास को भी शिष्य के रूप में स्वीकार किया, धन्ना जाट को भी शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और जहां उनको संदेह होता था तो कबीर की सलाह लेते थे। तो एक प्रकार से कबीर उनकी यात्रा में सहायक बने। लोग पूछते हैं कि धर्म और अध्यात्म में अंतर क्या है। तो जब धर्म की बात हो रही है यहां पर, शारीरिक धर्म,
अगर आप अपने शरीर पर 12 चिन्ह लगाएं तिलक के, या आप धर्म का पालन कर रहे हैं। यदि आप अपने अंतःकरण को सद्गुणों से आभूषित करें, ये अध्यात्म है। यदि आप 4 धाम की यात्रा करने जाएं, ये धर्म का पालन है। यदि आप अपने अंदर यात्रा में चलें अंतरात्मा की ओर, ये अध्यात्म है। तो धर्म से दादी माँ प्रसन्न हो जाती, बड़े बूढ़े हाँ बच्चा धार्मिक, और अध्यात्म से भगवान प्रसन्न हो जाते। भगवान भीतर की चीज देखते हैं। तो कबीर जी ने जो बोला, माला फेरत युग फिरा, फिरा न मन का फेर। अरे भई ये माला फेरते फेरते युग बीत गया और मन की अवस्था वैसी ही रह गई। अब कर का मन का डारी के, ये हाथ वाला मन का छोड़ो और मन का फेर। अब मन का जो मन का है उसको फेरो। तो कबीर जी कोई नई बात नहीं बता रहे थे, यही हमारे शास्त्रों का सार है। जो धर्म की बात की जा रही है, ये तो मात्र शारीरिक धर्म है, और इससे परे है आत्मा का धर्म। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य व्यवहिता ययात्मा संप्रसीदति। भागवत कहती है कि परम धर्म क्या है? भगवान से प्रेम करना, ऐसा प्रेम जो अहैतुकी यानी बिना कारण के हो, और अव्यवहिता निरंतर प्रेम हो, यही आत्मा का धर्म है। तो ये संत लोग सब उसी बात को दोहराए कि भाई तुम लोग किस झमेले में पड़ गए हो, तुम मेन बात को तो भूल ही गए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ते पढ़ते तो सारा संसार मर गया, कोई पंडित नहीं हुआ। ये ढाई अक्षर जिसने पढ़ लिए वो फैक्ट में पंडित बना। कबीर जी ने दोहे लिखे, काव्य भी लिखे, पद भी लिखे। उस समय अध्यात्म धर्म की भाषा या तो संस्कृत मानी जाती थी अथवा फारसी, कोई कोई अरबी में भी। तो कबीर जी हिंदी का उपयोग किए, उसमें भी खड़ी बोली के शब्द, भोजपुरी के शब्द, पंजाबी के शब्द, अवधी के शब्द। तो ऐसे शब्द कि जन साधारण बात को आसानी से समझ सके। वो कबीर जी के दोहों का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा, आप सोचिए तब से लेके आज तक लगभग 600 वर्ष होने को आ गए, और आज भी स्कूलों में बच्चे कबीर जी के दोहों को याद करते हैं। काशी में वो रहते थे, बड़े बड़े विद्वान वहाँ पर। काशी के विद्वानों ने उनसे प्रश्न किया कि बात क्या है, हम तो षट शास्त्री हैं, षड दर्शन के आचार्य हैं, और आप मात्र अंगूठा छाप हैं। तो हम जो बोलते हैं लोगों के चित्त पर असर नहीं पड़ता, और आप सामान्य भाषा में एक दोहा बना देते हो, उसे सुनकर लोग इतनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं, संसार से विरक्त होके भगवान की ओर भागने लग जाते। कबीर जी ने कहा कि भाई उसका कारण तो तुमको स्पष्ट दिखना चाहिए था। तुम कहते हो कागज की लेखी, तुमने जो पढ़ा है वो सुना देते हो, मैं कहता हूं निज आंखों की देखी। मैंने जो अनुभव किया है, वो जो आत्म साक्षात्कार किया है, वो सुना रहा हूं। इसलिए लोगों को भी समझ में आ जाता है भाई ये कुछ अंतर है।
बात तो वही है लेकिन बात फिर भी अलग है, उसमें जो पावर है वो अलग है। तो कबीर जी के कुछ प्रसंग, मधुर प्रसंग आते हैं। एक बार कुछ ब्राह्मण लोग गंगा स्नान कर रहे थे, कबीर जी भी वहां उतर आए गंगा जी में, और एक अपने लोटा जल से भरकर दे दिए ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने गुस्से में देखा, अरे तुम्हारे लोटे से हम गंगा जल लेके स्नान करेंगे? कबीर जी ने कहा, अगर गंगा जी मेरे लोटे को शुद्ध नहीं कर सकती तो मैं कैसे आशा करूं कि मुझे शुद्ध करेगी, मेरे पापों को धोएगी, जब गंगा जी में इतनी शक्ति तो है नहीं कि एक लोटे को शुद्ध कर दे, तो मुझे कहाँ शुद्ध करेगी फिर। तो इस प्रकार के प्रसंग वो मौलवियों की भी बात काटते थे और पंडितों की भी बात काटते थे। एक काजी पहुंचा उनके पास मिलने के लिए, तो कबीर जी को पहले खबर मिल गई कि ये आने वाला है काजी, और वे अपने घर के बाहर एक सूअर को बांध दिए। तो जब काजी आया जहां गश्त शाह, उसने देखा और गुस्से में, मैंने तो सुना था कि तुम महात्मा हो और सामने सूअर को बांधे हुए हो। कबीर जी ने कहा, मैंने तो घर के बाहर बांध दिया है और तुमने अपने हृदय के अंदर सूअर को बांधा हुआ, क्योंकि तुमने जब मुझे देखा तुम्हारा मन नफरत से भर गया और वो नफरत तुम्हारे चेहरे पे छलक गई, तो ये नफरत के विचार तुम जो अपने अंदर लाए ये तो सूअर से भी अधिक अपवित्र है। ऐसे ही एक विद्वान पंडित पहुंचा उनके पास, सर्वजित। सर्वजित का यही कार्य था जगह जगह जाकर शास्त्रार्थ करके, लोगों को परास्त करके अपनी ख्याति को बढ़ाना। तो सर्वजित की माँ भक्ति भाव से युक्त थी और उसने सर्वजित को कहा कि कबीर के साथ शास्त्रार्थ करो। तो माँ के कहने पर सर्वजित अपने बैलगाड़ी को किताबों से भर के पहुंचा कबीर जी के घर और कहा, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूं, करोगे? कबीर जी ने कहा, मैंने तो इतनी किताबें इससे पहले कभी देखी नहीं थी, मैं आपसे क्या शास्त्रार्थ करूंगा, मैं तो पहले ही अपनी हार मानने को तैयार हूं। सर्वजित ने कहा, लिख के दे दो। कबीर जी ने कहा, जो तुमको लिखवाना है लिख दो, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। उसने लिखा, सर्वजित ने कबीर को परास्त किया। कबीर जी ने हस्ताक्षर कर दिए, सर्वजित उसको लेकर और पहुंचा वापस माँ के पास। आपने कहा था ना शास्त्रार्थ करने को, मैंने तो उनको हरा दिया, देखो। माँ ने पढ़ा, वहां पे लिखा हुआ था कबीर ने सर्वजित को परास्त कर दिया। उसने कहा, ओहो ये तो मैंने गलत लिख दिया। फिर गया वापस, उसने कहा, ये गलती हो गई है, ये कागज पर हस्ताक्षर कीजिए। कबीर जी ने कहा, ठीक है मामूली बात है, फिर से कर दी। फिर वापस गया, फिर वही बात लिखी हुई थी कि कबीर ने सर्वजित को परास्त कर दिया। अब तीन बार ऐसा हुआ तो माँ ने कहा कि कबीर से थोड़ी शिक्षा लो, देखो वो कितना दैन्य भाव से युक्त है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, अपनी हार भी मानने को तैयार है, और तुम अपने अहम भाव को बढ़ाने के लिए शास्त्रार्थ करना चाह रहे। कबीर जी का बड़ा सुंदर दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही।
प्रेम गली अति सांकरी या में द्वैन समाही। ये प्रेम की गली ऐसी है कि इसमें दो नहीं फिट होंगे, या तो अपने अहम भाव को रखो या प्रेम को रखो। तो चाखा चाहे प्रेम रस, किसी अन्य संत ने कहा, और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखी सुनी न कान। कभी सुना है कि एक म्यान में दो खड़ग हो? ऐसे ही तुम प्रेम रस को भी चखना चाहते हो और मान को भी रखना चाहते हो, ये तो संभव ही नहीं होगा। कबीर जी गरीबी में बड़े हुए थे, गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत किए, और वो जो कपड़े की सिलाई का कार्य करते थे जुलाहा, उसी को वो करते चले गए। तो उसी से उन्होंने शिक्षा दी कि भाई जीवन को सरल रखो, और स्वयं गृहस्थी थे और लोगों को भी ये नहीं कहे कि भाई तुमको सब छोड़ के भाग जाना है, लोगों को कहे तुमको बस भगवत चेतना को अपने साथ जोड़ना है। प्रेम भाव एक चाहिए भेष अनेक बनाय, चाहे घर में वास कर चाहे वन में जाए। चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, प्रेम भाव में रहो, इंपॉर्टेंस उस बात का है। तो कबीर जी जो लेफ्ट राइट सेंटर लोगों की मान्यताओं को काटते रहे, जबरदस्त रिएक्शन हो गया समाज में। संत लोगों के प्रति रिएक्शन होता है, लोग पूछते हैं कि साहब ये संत हैं, इनका विरोध क्यों हुआ? इसलिए विरोध होता है कि संत का कार्य है लोगों की मान्यता को काटना ताकि वो और ऊपर उठे। अब वो कटती है जब किसी की बात उनको बुरा लग जाता है। तो इसी कारण से इतिहास में सभी संतों का विरोध हुआ। कबीर जी का तो बृहद विरोध शुरू हो गया, वहां पर पंडित लोग भी नाराज हुए, वहां पे मौलवी लोग भी रुष्ट हो गए, और वो कंप्लेंट गई सिकंदर लोदी के पास। तो सिकंदर लोदी ने बुलाया कबीर को, कबीर पहुंचे लोदी के दरबार में, किंतु सिर झुका के प्रणाम करने से इनकार कर दिया। लोदी ने कहा क्यों नहीं कर रहे हो? कबीर जी ने कहा मैं एक अल्लाह को जानता हूं जो सबके हृदय में रहता है, आपको क्यों प्रणाम करूं? और वो जो अल्लाह है, जो भगवान है, जो राम है, वो न हिंदू है, न मुसलमान है, न तुर्की है, न कहीं और का है, वो तो एक परात्पर शक्ति है। सिकंदर लोदी प्रभावित हो गया कबीर जी की सच्ची वाणी से और कहा इनको तो रिहा कर दो, किंतु वहां पर विरोध बढ़ता ही चला गया और एक बार फिर से बात कही सिकंदर लोदी के पास। तो अब बादशाह को भी प्रजा की इच्छा के अनुसार कदम लेना पड़ा। उसने कहा ठीक है फिर इसको मरवा दो। तो कबीर को जंजीरों में बांध के और समुद्र में फेंका गया, किंतु वो जंजीरों को लहरों ने तोड़ दिया और कबीर जी सही सलामत वापस आ गए। अब कथाएं कभी कभी कुछ बढ़ भी जाती हैं। ये संतों के चरित्र का स्रोत क्या है, कैसे पता चलता है? तो इतिहास में कुछ ऐसे लेखक हुए हैं भगवान की शक्ति से संपन्न, जैसे नाभादास जी, उन्होंने भक्तमाल लिखी है,
संत प्रियादास जी ने भक्तमाल लिखी है, नर हरिदास ने भक्त चरित लिखा है, तो वो उनकी वाणी को पढ़ने से लगता है कि भाई इनके पास दिव्य दृष्टि थी। नाभा जी का कहना है कि ये तो प्रहलाद के ही अवतार थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो सिकंदर लोधी जो मार रहा था उनको, तो कबीर जी को हाथी के पैरों से कुचलने का प्रयास किया जैसे प्रहलाद को किया था, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। अब ये तो अपनी भावना की बात है, किंतु परिणाम स्वरूप सिकंदर लोधी की श्रद्धा कबीर जी के प्रति और भी बढ़ गई। अब यहां पर यदि आप पुरी जाएं तो वहां के इतिहास में ये आख्यान आता है कि कबीर जी को पुरी बुलाया गया। समुद्र जब अंदर पहुंच जाता था, समुद्र मंदिर के अंदर तक आ जाता था, लोग परेशान भी कैसे उसको रोके। तो जगन्नाथ जी ने बौड़ पौंडा को ये स्वप्न आदेश दिया कि इस समय मेरा बहुत बड़ा एक भक्त है और उनकी अब आध्यात्मिक यात्रा पराकाष्ठा तक आ गई, कबीर को यहां बुलाओ। तो कबीर जी को पुरी बुलाया गया और कबीर जी वहां नौका में 3 मील बाहर गए समुद्र में और वहां पे उन्होंने लकीर खींच दी। तो समुद्र पीछे हटते हटते वो 3 मील हट गया, जिस स्थिति में वो आज भी स्थित है वहां पर। तो कबीर जी के लिए बताया जाता है, अब ये भी लोग ऐसा बोलते हैं, उनके जो बायोग्राफर्स हैं उन्होंने ऐसा लिखा है कि वे 120 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन 100 वर्ष तक तो वो रहे ही, और जब उनका समय पूरा होने पे आ गया, काशी में निवास करते थे, विद्वानों की नगरी, वहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर था एक नगर मगहर। लोगों ने मान्यता बनाई हुई थी कि काशी में मरोगे तो तुम्हारा मोक्ष गारंटीड है और मगहर में मरोगे तो फिर नरक जाओगे। कबीर जी के शरीर शांत होने का समय आया, लेकिन उसमें भी वो शिक्षा दे रहे। ये संत लोग छोड़ते नहीं है अवसर शिक्षा देने का, तो क्यों उस अवसर को छोड़े, मरने से पहले मगहर पहुंच गए। शिष्य लोग बहुत परेशान, गुरुजी मगहर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई 100 संत भी मगहर में मरे, कोई उनको नरक नहीं दे सकता, और एक पापात्मा काशी में मरे वो नरक की यातनाओं से, उसकी अग्नि से बच नहीं सकता। तो मगहर में लास्ट में उनका शरीर शांत हुआ। तो ये जो पंडित और मौलवी उनका विरोध करते थे, उनके अंत्य लीला के बाद विवाद शुरू हो गया, उनके शरीर के साथ क्या किया जाएगा, क्या उसको दफनाएंगे इस्लाम धर्म के अनुसार अथवा भस्म कर देंगे हिंदू धर्म के अनुसार। तो दोनों तरफ से मत आने लगे। लास्ट में जो कपड़ा था कफन, उसको हटाया, कबीर जी का शरीर वहां था ही नहीं, वहां फूल पड़े हुए थे। तो फूल के 2 भाग हो गए, एक भाग को काशी ले गए और एक भाग को मगहर में रख दिया। तो वहां मगहर में कबीर जी का मंदिर भी बना हुआ है आज तक। तो उसी के साथ ये एक संत शिरोमणि की अपनी जीवन लीला पूरी हुई। हम उनके दोहों को लेके थोड़ा उसका आस्वादन करेंगे। ब्रज देखन में चला, बुरन मिले
मन देखा अपना मुझसे बुरान कोई कबीरा मुझसे बुरान को कहते हैं कि भाई परदोष दर्शन मत करो। श्री महाराज जी भी लिखे हैं लखहु जनी पर दोष कब हुक दोष निज लखु प्यारे लखहु जनी पर दोष कब हुक दोष निज लखु प्यारे दोष निज लखु प्यारे। कहते हैं भाई दूसरों के दोष मत देखो अपने दोष देखो। दूसरों के दोष देखने का अधिकार केवल तीन कक्षा के लोगों को है। एक डॉक्टर को, उसका काम ही है शरीर के दोष देखना, तभी तो डायग्नोसिस करके दवा देगा। एक लॉयर को, क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं दोष देखने के लिए दूसरे पक्ष के। और एक टीचर को, टीचर को पढ़ाना है इसलिए वो दोष देखता। और बाकी किसी भी प्रसंग में हम दोष देखें तो ये अपने मन के दोषी होने का प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे किसी ने कहा तू जो औरों की ओर करता है अंगुष्टे नुमाई देख ये तीन झुकी है तेरी ओर। हम जब किसी की ओर उंगली करते हैं तो तीन उंगलियां हमारी ओर झुक जाती हैं। दोष दर्शन ये अपवित्र मन का लक्षण है। वो प्रसंग आप लोग हमसे पहले सुने हैं कि गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में गुरु जी ने एक दिन युधिष्ठिर और दुर्योधन को बुलाया एक साथ और कहा दुर्योधन जाओ घूमो जरा हस्तिनापुर में, तुमसे बढ़िया कोई व्यक्ति मिले तो आके मुझे बताना। और युधिष्ठिर को कहा तुम भी घूमो, अपने से निकृष्ट कोई मिले तो आकर खबर देना। आप युधिष्ठिर और दुर्योधन दिन भर घूमे, लास्ट में दोनों ने आके डिफीट एडमिट कर ली। दुर्योधन ने कहा गुरुजी मैंने तो खोजा और खोजा और खोजा, मुझसे अच्छा कोई मिला ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी मैं खूब खोज रहा था, मुझसे निकृष्ट कोई दिखा ही नहीं, लास्ट में मुझे एक व्यक्ति मिला और वो कुएं से पानी निकाल रहा था। और ये दिन निर्जला एकादशी का था जब गुरुजी भेजे थे। मैंने कहा हा ये निर्जला एकादशी के दिन पानी पीने जा रहा है, यही सबसे बुरा है। किंतु उसने जब बाल्टी निकाली तो पानी से वो स्नान करने लग गया। मैंने कहा ओहो इसका तो कोई दोष था नहीं, मैंने इसमें दोष देखा तो सबसे निकृष्ट तो मैं ही हूं। गुरुजी ने बाकी शिष्यों को बताया देखो दुर्योधन को अपने से अच्छा कोई दिखाई नहीं और युधिष्ठिर को अपने से खराब कोई दिखाई नहीं। तो हम लोग अगर अपना सुधार करना चाहते हैं ये अति आवश्यक, क्योंकि दूसरों में दोष देखने से एक तो हमारा मन खराब होता है और साथ ही अहंकार आ जाता है, मैं तो ठीक हूं वो गड़बड़ है मैं ठीक हूं। अब जब अपने अंदर अहंकार आ जाता है हमें अपने दोष दिखने कम हो जाते, और दोष तो है ही,
अब उनकी ओर से हमारी नज़र छूट जाती है तो फिर वो दोष बढ़ने लग जाते हैं और फिर बंटाढार हो जाता है, तो ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। कैसे बर्बाद होएगा? कबीर जी बता रहे हैं दोहे में, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा है वो घड़ा बनाता है तो घड़े को रौंदता है, उसको आकार देता है मिट्टी को, मिट्टी को लेके मिट्टी का गोला लेके उसको रखा जाता है चरखे पर और वो उसको घुमाता है चरखा, फिर हाथ देके उसको आकार दिया जाता। तो वो माटी कह रही है कुम्हार से कि तू मुझे रौंद रहा है, तू भूल गया है कि एक दिन ऐसा भी आएगा मैं तुझे रौंदूंगी। क्यों? हम लोग ये संसार के माया जाल में भूल जाते हैं शरीर की वास्तविकता है क्या। बाहर की चीज को हम महत्व देते हैं ना, और बाहर की चीज को ही हम सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, ऐसे लिपस्टिक लगाओ, ऐसे मेकअप करो, ये फैशन, ये लेटेस्ट फैशन, ये और लेटेस्ट फैशन। तो ये हम सब लोग ड्रामा करते रहते हैं। अब ठीक है, शरीर की देखभाल तो करनी ही चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि वो एक ऑब्सेशन ही हो जाए। तो वर्तमान समाज में वो एक ऑब्सेशन हो गया, अब भूल गए कि साहब ये तो मिट्टी का है खिलौना, ये शरीर जो है मिट्टी से बना। अब सुनने ये बात अटपटी लगती है, मिट्टी से कैसे बना साहब, हम तो हलवा पूड़ी खाते हैं इत्यादि छेना पोड़ा और मिट्टी थोड़ी खाते हैं। लेकिन वो जो भी हम खाते हैं वो मिट्टी के विकार है, यानी मिट्टी से अन्न बना, अन्न को पीस के आटा बना, उसके द्वारा फिर छेना पोड़ा इत्यादि बना, उसको आप खाए, आपके शरीर के अंदर रस बना, फिर रक्त बना, फिर मांस, फिर मैदा, फिर हड्डी, फिर मज्जा, फिर वीर्य, तो ये सारा शरीर मिट्टी का परिणाम है। और जब आत्मा निकल जाती है तो वापस मिट्टी हो जाता। इसलिए कोई मरता है तो लोग कहते हैं भाई कहाँ गए थे, उसकी माटी में गए थे, हिंदी में कहते हैं हम उसकी माटी में गए थे, शमशान गए थे ना तो उसकी माटी में गए थे। कहाँ है वो माटी? वो शरीर सा वही माटी है। लो कल तक तो आप सम्मान कर रहे थे, ये तो गवर्नर है, मंत्री है, और आज उनको माटी बोल रहे हो? नहीं साहब, वो कल तक शरीर में आत्मा थी तो शरीर की वैल्यू थी, अब वो आत्मा निकल गई सब माटी हो गए, राजा रंग फकीर सब माटी हो गए। तो वो शरीर जो है माटी ही है, उसकी देखभाल करनी है, क्योंकि ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। लेकिन इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है कि हम लक्ष्य को ही भूल जाएं। तो कबीर जी ने देखिए वो ही ज्ञान
को कितना शक्तिशाली बना के, कैसा पावर पैक बना के और एक दोहे में डाल दिया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोए, कबीरा साबुत बचान को। वो चक्की जो है उसको कबीर जी देख रहे हैं और रो रहे हैं कि ये चलती चक्की में जितने भी दाने आते हैं अनाज के, कोई साबुत नहीं बचता, सब के सब पिस जाते हैं। तो कबीर जी कह रहे हैं ऐसे ही ये संसार है, इसमें भी दो पाटन हैं, एक पृथ्वी एक आकाश। तो पृथ्वी और आकाश दोनों की जो चक्की है इसमें कोई साबुत तो बचता नहीं है, सबकी मृत्यु ही आती है। यानी ये मृत्यु लोक जो है ना, यहाँ पे सब मर के ही जाएंगे। अगर कोई एक चीज जीवन में निश्चित है वो मृत्यु ही है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं एज श्योर एज डेथ, मृत्यु के समान पक्का। तो कबीर जी तो कहते हैं कि दो पाटन बिच आय के साबुत बचा न कोय। लेकिन कबीर जी का बेटा जो था उन्होंने इस दोहे में संशोधन कर दिया कमाल ने। उसने कहा चलती चक्की देख के दिया कमाल ठिठाय, वो हंस रहा है, पीरी पाखे जो रहे वाकी पिसे बलाय। जो अनाज का दाना, वो जो बीच में जो लोहा होता है पत्थर के बीच में, उसके पास अगर कोई आ जाए तो उसकी तो बलाय ही पिसती है, उसकी कुछ नहीं पिसती। तो कमाल कहते हैं कि इस चक्की में भी अगर तुम सही जगह पहुंच जाओगे तो वाह की पिसे बलाए। दुख में सुमेरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमेरन करे वो दुख काहे को, दुख काहे हो।
कबीर जी ने गुरु की भूरी भूरी प्रशंसा जगह जगह पर पिए, अगले दोहे में भी करने जा रहे कि अगर सारी धरती को कागज़ कर दूं और जितने भी वन हैं उनके वृक्ष को लिखनी बनाऊं और सात समुद्र की स्याही बनाऊं, तो भी मैं गुरु के गुण को लिख नहीं पाऊंगा, इतने गुण हैं गुरु में। तो कबीर जी कहते हैं कि राम रहे वन भीतरे गुरु की पूजी आस। जो लोग कहते हैं भगवान तो अंदर है बाहर है, गुरु की क्या आवश्यकता है, कहे कबीर पाखंड सब झूठे ही निराश। कबीर जी कहते हैं वो सब बेकार की बातें कर रहे हैं, मुंह से तो सब बोल सकते हैं भगवान अंदर है बाहर है, अनुभव तो गुरु की निर्दिष्ट साधना करने से ही होगा। तो यहां पर प्रश्न ये आया है कि कौन बड़ा है, गुरु बड़े हैं या भगवान बड़े हैं। कबीर जी कहते हैं कि अब मेरी साधना पूरी हो गई तो गोविंद दर्शन दे रहे हैं, एक तरफ गोविंद है एक तरफ गुरु जी है। तो कबीर जी के सामने प्रश्न ये आया है कि किसको प्रणाम करें, तो दोनों को करो वो तो ठीक है, लेकिन पहले किसको करें, भगवान को करो गोविंद को, वो सबसे बड़े हैं ना, भगवान से बड़ा कौन है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, अर्जुन मुझसे बड़ा तो कुछ भी नहीं है, मई सर्वमिदं प्रोतम न परम पुंडरी काक्षात। कबीर जी कहते हैं नहीं, बलिहारी गुरु आपने, मैं तो गुरु को पहले प्रणाम करूंगा जिन्होंने मुझे गोविंद से मिलाया, यानी मेरे स्वार्थ की सिद्धि तो गुरु जी से हुई, उन्होंने हमको साधना बताई, अंतःकरण शुद्धि हुई, सब कुछ हुआ और फिर लास्ट में जाके भगवान आए। क्यों, ये जीव का ड्राइंग रूम ठीक हो गया है, अंतःकरण शुद्ध है, गुरु ने सर्टिफिकेट दिया ठीक है, अब भगवान ने आकर दर्शन दिए, तो उससे पहला का सब प्रयास ये गुरु के द्वारा था। तो इसीलिए उस दृष्टिकोण से, अपने स्वार्थ की दृष्टि से, गुरु का स्थान तो भगवान से भी बड़ा हो गया। तो वो कहते हैं कि मैं तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करता हूं। यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीशियों जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान कबीरा, तो भी सस्ता छवा बिन पानी
विश्वास बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि जहाँ संसार में विरोध मिलता है लोगों की शांति चली जाती, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, तो लोगों को अंदर से लगता है अब अशांति उत्पन्न कर दी, किसने, उसने ऐसा करके। तो कबीर जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो तो तुम्हारा हेल्पर है, उसको जो तुम्हारा विरोध करने वाला है वो तो मेन तुम्हारा सहयोगी है, उसको अपने घर में आंगन में रखो और सजा के उसके ललाट पे तिलक लगाओ, यानी सम्मान करो, भाई साहब आप हमारे हितैषी हैं, आप निंदा कीजिए और चुपचाप सहन करो, तो बिना साबुन और पानी के अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। यानी दो लाभ, एक तो जब आप ये एटीट्यूड रखेंगे तो आपकी शांति खत्म नहीं होगी, और दूसरा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा। तो आप तो खोजा जाए कि कोई हमारा विरोधी मिले, राइट, और हम उसको लाएं वापस। एक यूरोप में एक गुरु हुए गर्जियेव, लगभग 150 साल पहले की बात। तो गर्जियेव ने अपना एक सत्संग बनाया हुआ था, एक आदमी था सत्संग में बहुत ढीठ, सबको परेशान करके रखा हुआ था उसने अपने व्यवहार से, और सब साधक लोग कहते थे कि इसने नाक में दम कर दिया, बाकी तो गुरुजी का सत्संग बड़ा अच्छा है लेकिन ये जो है सब बिगाड़ देता। तो वो आदमी अपनी ओर से ही चला गया सत्संग छोड़ के। गर्जियेव गए उसके पास और कहा तुम वापस आ जाओ, हम तुमको तनख्वाह देंगे, सैलरी। उसको सैलरी देकर वापस रख लिए। शिष्यों ने कहा इतनी बड़ी आफत थी, छुट्टी मिली थी, अब गुरुजी उसको वापस ले और वो भी पैसे भी दे रहे हैं साथ ही साथ। गुरुजी ने कहा भाई देखो यही तो कैटलिस्ट है, जैसे ब्रेड बनानी हो ना तो उसमें यीस्ट डालनी पड़ती तब जाके वो ब्रेड बनती, ऐसे तुम्हारे अंतःकरण शुद्धि में यही तो कैटलिस्ट, अब ये नहीं रहेगा सब शांति शांति रहेगी तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा। अंतःकरण शुद्धि के लिए अशांत माहौल भी हो तब सहन शक्ति बढ़े, तब अंदर की यात्रा में हम विजय प्राप्त करें, तो भगवान भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना जानबूझ के, किसी ना किसी झगड़े में, किसी ना किसी कि भाई घर में शांति होनी नहीं चाहिए, अब माता पिता ठीक ठीक चल रहे हैं तो लड़का है उसी के द्वारा कुछ बुलवा दो, वही विरोध करे, क्योंकि भगवान को अच्छा नहीं लगता है कि लोग आध्यात्मिक दृष्टि से उसी लेवल में रहें। भगवान चाहते हैं कि प्रोग्रेस होता रहे, वो प्रोग्रेस के कारण ही विरोध कराते हैं। अब ज्यादा पूरे समाज का उद्धार करना हो तो फिर भगवान क्या करते हैं, COVID-19 भेज देते। ये मुरली वाले की लीला वही जाने, हम अपनी बात जाने कि निंदक कोई हो तो हम परेशान न हो। तो कितना बढ़िया बोल रहे हैं कि प्रेम जो है ये न खेत में उगता है, न बाड़ी उपजे, न हाट बिकाए, न ये बाजार में बिकता है। प्रेम जिसको भी चाहिए, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, जिसको भी चाहिए उसका मूल्य दे के और खरीद लो। और मूल्य क्या है, शीश दाम दई ले आए, अपना शीश जो है अपना सिर वो दे दो दाम में और प्रेम लेके आ जाओ। यानी ये कोई सामान्य चीज नहीं है प्रेम, इसके लिए अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी देनी होगी, अपनी इच्छाओं की, और हरि गुरु की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना पड़ेगा, इसमें समर्पण करना पड़ेगा प्रेम। फिर वो आगे लिखते हैं, प्रेम प्याला जो पिए
शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम काले। जो लोभी होता है वो शीश तो दे नहीं पाता, बात करता है प्रेम की। अब कहे हे भगवान अपना सिर देना पड़ेगा तो बड़ी गड़बड़ की बात। तो कबीर जी कहते हैं शीश है लहू की तुमड़ी, हरी अमृत की खान, शीश दिए जो हरी मिले तो भी सस्ता जान। अरे बड़ा सस्ता सौदा है, अगर सिर देकर भगवान मिल जाए तो हजार बार सिर दे के भगवान को प्राप्त कर लो, क्योंकि जो मिल रहा है वो इतनी बड़ी चीज है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।